दुर्गा म्यूजिक वर्ल्ड कंपनी से आप सबके सामने मैं गायक रणजीत यादव एंड पार्टी रानीगंज प्रतापगढ़ की धरती से आप सबके समक्ष आप सबके सामने एक छोटा सा बिरहा पेश करने जा रहा हूं। उम्मीद है, विश्वास है कि गीत आपको पसंद आएगी। दोस्त कहना कि बैठा रहे लखन जी भाई, अरे तब तक गई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के भाई लखनलाल जी अपने कक्ष में बैठे हैं। तब तक देवी उर्मिला प्रभु के सामने अपने पिया के सामने पेश हुई और हंसकर कहने लगी, कहा पिया मेरे मन में कुछ अभिलाषा है। कहा बोलो क्या बात है देवी। बताती है सरकारी उर्मिला किस कर लगा मास्टर तर्जमा भेजा कि हरे ननद भौजिया दुई नऊ, हरे ननद भौजिया दुई नऊ एक ननद भौजिया दुई नऊ हरे एक लक्ष्मण के सामने हाथ जोड़ कर खड़ी हो गई और कहा पिया अरे हाथ जोड़ बोली अपने पिया से गुजरिया, हाथ जोड़ बोली अपने नाट्य अवतार और आज मेरी ये इच्छा है कि मैं उस नाट देवता का दर्शन करना चाहती हूँ। लखनलाल ने कहा और मिला तुम्हारा दिमाग ठीक तो है। कहा मैं कुछ नहीं जानती प्रिया, मेरी इच्छा है आप मुझे दर्शन दें।
अरे कहाँ लाखन लाल उर्मिला, कहाँ लाखन उर्मिला तू गई पागला। बात सुनकर लखन गुस्से में हो गए। कहा उर्मिला तुम्हारा सोचना गलत है, लेकिन अगर मेहरारू क्यों कहो, अगर जिद पेल जाए दोस्त तो झुकना पड़ जाता है। औरत ऐसी चीज है कि अगर हटी होती है, अगर हट कर लिया तो झुकना पड़ेगा। वही उर्मिला का बात सुन के लखन ऋषि गई रे, नाग अवतार में आ गए। देखकर उर्मिला हैरान हो गई, क्रोध में लक्ष्मण नाग देवता क्रोध में एकदम। उर्मिला हैरान हो गई, बाप रे तो गजब कह दी है, सभी को टेरी के भाव देना मान कर। घर घर नाग दे
बाबूजी क्रोध में लक्ष्मण तो कहना पड़ा पद में सुन के बात लगन देख के शेष नाग का रूप देख के शेष नाग का गरिन उर्मिला रानी अरे मन में अपने छोटे उर्मिला अरे भाई बड़ी है रानी हो पुजारी घर घर नाग देव बाबूजी देखकर क्रोध गिरा गई उर्मिला कहा भगवान कि मैंने क्या कर दिया क्रोध कैसे काम करो लक्ष्मण का शेषनाग क्रोध में फुकार मार रहे हैं उर्मिला डर गई भगवान तो गजब हुई है खितर लगा मास्टर हर एक का है लागल सहरी एक जननमा हो कहि लागल हरे सहरी एक जननमा हो औरत पिया बम्बई रहता बम्बई रहे और ओकर काम का रहे दिन भरे में हजार दो हजार चार हजार पैदा कई और काम का करे जेब का दे अपने पड़ोसी से बतावल दो चार पांच सौ कुछ न हो करे बम्बई में का करे थी काहे बताई काहे बतावा काहे अरे काहे लागल सहरी एक जननमा हो काहे लागल सहरी एक जननमा हो Yeah!
देखकर उर्मिला हाथ जोड़ के सिंहासन के सामने खड़ी हो गई और कहा था, दाएं हाथ जोड़ी लागी तोरे पैया हो। कहा पिया, अरे हाथ जोड़ी लागी तोरे पैया हो। कहा, भगवान मेरी मदद करो, मैंने अनर्थ कर दिया है। बाबा पांव पर लेती है लेकिन नहीं है, पीछे हो जाती है। और क्या कहा थी, हाथ डोली लागी तोरे पैया हो। हाथ डोली लागी तोरे पैया हो। परेशान भगवान को याद किया, बात राम तक पहुंची। रामचंद्र जी आए तो कहना पड़ा आल्हा है। Yeah।
बाबूजी रामचंद्र जी के मनाने पर शेषनाग क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। शांत हो गए तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, आखिरी भाव है मास्टर जरा पढ़ाई कर दिए। लखन को वरदान कि तुम्हारा ये रूप विफल नहीं जाएगा, आज के ही दिन सारी दुनिया तुम्हें पूजेगी। बाबूजी उसी दिन से नागपंचमी की उत्पत्ति कहना है कि पाठ के वरदान लखन खुश हो ही गई है। मगन भाई रामचंद्र जी खुशी हो गई उर्मिला, मैंने बहुत गलती किया लेकिन प्रभु की माया कि फिर से मैं अपने पति को पा गई। कहना दोनों प्राणी रामचंद्र जी के शीश छुपाए, रामचंद्र सब ही के हंसी के अपने गले लगाए हो। स्वामी गीतानंद कहे कवि हुल्लू कदे कोताही।